सीएम सिंधा और सीएम सिंधा यहाँ सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, ठीक है। किरण, मंजीत, आराध्या, खान बाबा, सुरभि और रोहित, अंजुम, दुर्गा, पूजा, सुनील, किरण, जितेंद्र, चलो सभी को सभी को सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, है ना, सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा, तुम लोग के जेल प्रहरी वगैरह के पेपर तो अब खत्म हो गए, तो अब ऐसा ही कॉन्स्टेबल की जो तैयारी है वो शुरू कर दो, ठीक है क्या? अभी वैकेंसी आने वाली है ना, ऐसा ऐसी हवा उड़ रही है। देखो आएगी वैकेंसी, वो इसलिए आएगी क्योंकि अब क्या है, अब चुनाव होने वाले हैं, ठीक है ना। और चुनाव जब होते हैं तो जो पिटारा होता है ना वो खुलता है, ठीक है, चाहे वो स्कीम्स का हो चाहे एग्जाम्स का हो। चलो सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। बागेश्वर धाम, अच्छा आप भी आए हो, पंडित संजय, चलो सभी को गुड मॉर्निंग। देखो क्या लिखा है, कोट देखो आज का क्या है, तकदीर भी बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी, है ना, तकदीर भी बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर एक दिन जिंदगी भी बदलेगी, ठीक है, बस मेहनत करते रहो, लगे रहो, है ना, जैसे हम लगे हुए हैं वैसे तुम भी लगे रहो, ठीक है क्या। गुड मॉर्निंग बेटा सभी को, निधि रानी, अर्जुन मंडलोई जी, ठीक है। देखो आज है 21 जून, अच्छा तुम लोगों को पता ही होगा हम हर एक एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे PSC हो, UPSC हो, व्यापम हो, कुछ भी हो, ठीक है, सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आज है 21 जून और आज के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ था, हिस्ट्री ऑफ द डे देख लेते हैं। रितु गुड मॉर्निंग, है ना। 1862 में आज के दिन ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर, ये कौन थे, ये लिंकन्स इंक से वकालत करने की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है 1948 में आज के दिन सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल, एक चीज ध्यान रखना, सी राजगोपालाचारी जो थे ना वो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट है 1991 में आज के दिन PV नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने थे, ध्यान रखना इन्हीं के कार्यकाल में, हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे ना इन्हीं के कार्यकाल में वो क्या बने थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, जब हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था, ओपन इकोनॉमी बन गई थी भारत, है ना, पहले भारत क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तब व्यापार नहीं होता था हमारा दूसरे देशों के साथ, लेकिन मनमोहन सिंह जी के इस स्टेप की वजह से आज हम वर्ल्ड लेवल पर व्यापार करते हैं और वर्ल्ड लेवल पर दुनिया के जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है उनमें गिने जाते हैं। नेक्स्ट है 2015 में आज के दिन पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, इस साल योग दिवस कौन से मध्य प्रदेश के जिले में मनाया जा रहा है ये बताना मुझे, है ना, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आज मनाया जा रहा है, रामदेव बाबा की जय हो, अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, देखो एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहले भारतीय तलवारबाज कौन बनी है, पहली भारतीय तलवारबाज बनी है, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीता है, ये चैंपियनशिप हुआ कहां पर है, चीन में हुआ है, ध्यान रखना। तलवारबाजी को फेंसिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, क्या कहते हैं, फेंसिंग, करी होगी ना कभी तलवारबाजी, है ना, हाँ जबलपुर में हो रहा है आज, हैप्पी योगा डे। अच्छा तुम लोग योगा वगैरह करते हो, साक्षी मलिक बेटा कुश्ती से संबंधित है, अभी जो कुश्ती रेसलिंग फेडरेशन का जो मैटर चल रहा है वहां पर तुमको साक्षी मलिक दिखेंगी, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, ये लोग कुश्ती से संबंधित है, ठीक है, राधे राधे बेटा, है ना। शुभ बुधवार, वाह, यहां पर आंसर हो जाएगा तुम्हारा भवानी देवी। अच्छा भवानी देवी का नाम तुमने इससे पहले तब सुना होगा जब ये पहली तलवारबाज बन गई थी जो टोक्यो ओलंपिक में जो पहुंची थी, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहुंचने वाली पहली ही तलवारबाज बनी थी, आज तक भारत में ऐसी कोई तलवारबाज नहीं बनी है जो वहां तक पहुंची हो, और अब ये पहली ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता है, ये इनकी फोटो है, ठीक है, ध्यान देना। अब आज के कुछ हेडलाइंस देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी चीजें न्यूज में थी, दयाराम भावना, है ना, आई एम भूत, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है, प्रेम कुमार, जय महाकाल बेटा। देखो पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम, मौसी के घर जाते हुए भगवान, ये क्या मैटर, क्या है, क्या मैटर है, हर साल ये रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, मौसी के घर क्यों जाते हैं। देखो हुआ ये था कि एक समय पर ये जो तीनों भाई बहन है ना जिनको हम सभी बहुत प्यार करते हैं, जगन्नाथ जी और उनके दो भाई बहन, उनमें से उनकी जो बहन है सुभद्रा जी, उन्होंने एक बार बचपन में जिद की थी कि मुझे घूमने जाना है, मुझे शहर देखना है, ठीक है, तो जगन्नाथ जी ने बोला चलो दिखाते हैं, तो उन्होंने रथ पे बैठकर अपनी बहन को और अपने भाई को पूरा शहर घुमाया, और शहर घूमने के बाद वो अपनी मौसी के घर गए,
और वहां जाके वो बहुत दिनों तक रुके। जब वो वहां रुके हुए थे तो वो लोग बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खाए, ठीक है, उन्होंने बहुत सारा खाना खाया और इतना सारा खाना खाने की वजह से वो बीमार पड़ गए, ऐसी कहानी है। वो बीमार पड़ गए और जिसके बाद उनको वहीं पर कुछ दिन तक आराम करना पड़ा, उसके बाद वो वापस आए। तो ये पूरी रथ यात्रा जो है ये करीब 10 दिन की होती है, इसमें अलग अलग दिन अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। चलो तो ये रथ यात्रा जो है अभी चल रही है, ध्यान देना, है ना। देखो उत्तर प्रदेश बिहार में सैकड़ों लोगों की हीट वेव से मौत हो गई है, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में मर गए हैं, बिहार में भी ऐसी हालत है। पर अभी बोला जा रहा है कि बारिश आ चुकी है, मॉनसून आ चुका है। गुड मॉर्निंग जितेंद्र, है ना, और सौरभ, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी, रक्षा क्षेत्र में बड़ी डील होने के आसार है। यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि मोदी जी जो है वो इजिप्ट भी जाने वाले हैं, मिस्र भी जाने वाले हैं। नेक्स्ट है, वियतनाम को उपहार में भारत देगा युद्ध पोत। जिस युद्ध पोत का नाम क्या है? इसका नाम है INS कृपाण, याद रखना। INS कृपाण जो है ये एक वॉरशिप है, ठीक है, युद्ध पोत है। नेक्स्ट देखो, मुकेश अंबानी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। पिछले दशक की तुलना में 65% तेजी से हिमालय के जो ग्लेशियर है ये पिघल रहे, बिल्कुल ये जो है बाढ़ के आसार होते हैं। बाढ़ बहुत बड़े लेवल पर, या तो तुम्हारा प्रलय आने के आसार होते हैं, मतलब कि आगे चल के अगर इसी स्पीड से पिघलता गया ना तो प्रलय आ सकता है, ऐसी स्थिति है। यहाँ पर देखो इन्हीं की फोटो है, भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में मेडल कौन सा जीता? देखो गोल्ड सिल्वर नहीं जीता है, याद रखना, ठीक है, गोल्ड सिल्वर नहीं जीता है, जीता क्या है, ब्रॉन्ज जीता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, ये याद रखना। अब ये जो तुमको पीछे दिख रहा है ना, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हुआ ये है कि टाइटैनिक देखने गई पनडुब्बी लापता हो गई है, अरबपति इस पनडुब्बी में थे। इस पनडुब्बी में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा करके अंदर बैठ कर ये लोग टाइटैनिक के अवशेष देखने गए थे समुन्दर में, और अवशेष देखने जब गए तो इस पनडुब्बी से जो है संपर्क टूट गया सबका और ये पनडुब्बी घूम गई। इसमें ब्रिटेन के जो अरबपति है वो शामिल है। अच्छा मान लो अगर टाइटैनिक मूवी को भोजपुरी में बनाया जाता, ठीक है, भोजपुरी मूवीज तो देखते हो तुम लोग, जो बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है, है ना, कुछ मूवीज बहुत अच्छी रहती है, कुछ मूवी तो देखने लायक नहीं रहती है। अगर टाइटैनिक मूवी भोजपुरी में बनती तो क्या नाम होता उसका, क्या नाम होता बता सकते हो क्या? उसका नाम होता नैया डूबल पानी में और सजनवा मरल जवानी में, समझे क्या, ये उसका नाम होता भोजपुरी में, है ना। लेकिन अच्छा है कि भोजपुरी में बना नहीं है अभी तक, ठीक है क्या। चलो गुड मॉर्निंग सभी को। देखो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? राष्ट्रीय योग ओलंपियाड है, होता कि नहीं होता, कैसन बा, क्या ठीक बा, है ना। चलो इसका आंसर होता है, इंडिया ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड। ये पहली बार, ध्यान रखना, पहली बार दिल्ली से बाहर हो रहा है। इससे पहले आज तक न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना इसको, ठीक है क्या। अच्छा इंटरनेशनल योगा डे जो हम मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, तो क्या हम इसी साल पहली बार मना रहे हैं? अगर तुमसे कोई पूछे तो बोलना नहीं, ये हमने, मोदी जी ने घोषणा 2014 में कर दी थी, ठीक है। सुमीरा गुड मॉर्निंग, है ना, मोदी जी ने घोषणा कब कर दी थी? 2014 में। लेकिन हम जो है उसके अगली साल से मनाने लगे, यानी कि 2015 से हम मना रहे हैं, 2015 से हम क्या मना रहे हैं, योगा दिवस मना रहे हैं, इसको याद रखना, ठीक है क्या। योग सूत्र किसने लिखा था? अगर तुमसे कोई पूछे योग सूत्र जो था ये ग्रंथ था, एक ग्रंथ था, ये किसने लिखा था? इस साल योगा डे बहुत ज्यादा चर्चा में है, हमारे संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में भी योगा का सत्र जो है वो देखने को मिलेगा, इसीलिए बिल्कुल सवाल पूछ सकता है। योग सत्र, हाँ पतंजलि ने लिखा था, बिल्कुल पतंजलि ने लिखा था। पतंजलि ने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? महाभाष्य। मैं तुम लोगों को रोज बता रही हूँ महाभाष्य, ठीक है। ये जो मैप है ये मध्य प्रदेश का मैप है, लेकिन इसमें जिले के नाम नहीं है, इसमें वो नाम है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, कर्क रेखा पास होती है। टोटल 14-15 जिलों से ये पास होती है मध्य प्रदेश के, ध्यान रखना, है ना। भोजपुरी बोलना जानती है? नहीं। कैसन बा, ठीक बा, बस इतना ही आता है, ठीक है क्या। देखो शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, आगरमालवा और उज्जैन और रतलाम, 14 जगह से ये पास होती है। और भारत में अगर पूछा जाए
कि भारत के कौन कौन से राज्यों से पास होती है, तो भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा पास होती है। ठीक है क्या? चलो केकड़ा लाइन, गुड मॉर्निंग सभी को, है ना। देखो नेक्स्ट, किस कंपनी ने विमानन इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है? ऐसी एक भारतीय एयरलाइन बन गई है, एक भारतीय कंपनी ऐसी बन गई है जिसने आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर दिया, और ये ऑर्डर उसने भारत में नहीं दिया है। पेरिस में एक एयर शो चल रहा था, क्या चल रहा था? पेरिस में एक एयर शो चल रहा था। इस पेरिस में हमारे भारत की एक कंपनी है जिस कंपनी ने 500 एयरबस की एयरक्राफ्ट का, एयरबस एक कंपनी है ठीक है, कहां की कंपनी है ये? यूरोप की कंपनी है। इस कंपनी के एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, ये याद रखना, इस 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर। अभी कुछ समय पहले तुमको पता है जो एयर इंडिया है ना, एयर इंडिया जो कंपनी हमारे भारत की, हाँ इंडिगो इसका आंसर होगा, एयर इंडिया कंपनी ने अभी कुछ समय पहले ऑर्डर दिया था 470 एयरक्राफ्ट का, ठीक है, लेकिन अभी इसने 500 का दे दिया है। तो 500 का ऑर्डर देके सबसे बड़ी ऐसी कंपनी बन गई है, इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर ये दिया गया है। इंडिगो की अगर तुम फ्लाइट देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है, ये तुम देख के पहचान जाओगे, लिखा भी रहता है और ब्लू एंड व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। चलो, किरण महर्षि पतंजलि बहुत सिद्ध महात्मा थे, उनका नाम अच्छे से है। अच्छा, गुड मॉर्निंग बेटा अमित, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस फुटबॉल टीम ने हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? सबसे पहली बात तो ये कप, ये जो तुम्हारा कंपटीशन है, ये हुआ कहां पर है ये बताओ, ये हुआ कहां पर है? गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, आज भी मुझे कम कम लोग क्यों दिख रहे हैं, क्या बात है? जोश ठंडा हो गया क्या तुम लोग का? है जो जोश तुम लोगों का आया था एमपीपीएससी के पेपर के बाद, वो कहां गया, कहां गया वो, है ना? तुम लोगों का नहीं, तुम्हारे दोस्तों का ठंडा हो गया क्यों? चलो ठीक है, देखो यहां पर, ठीक है ना। अच्छा, तुम लोगों को पता है आजकल के जमाने में जो है दहेज वाला जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। कल ही मैंने एक केस देखा जिसमें दहेज के चक्कर में एक जो है एक लड़की को जला दिया गया, जला के जिंदा जला के मार दिया गया। ये दहेज वहेज मत लेना, है ना, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो लड़का लोग, लड़के लोग, है ना, बिल्कुल भी नहीं। चलो इंडिया इसका आंसर होगा, बिल्कुल इंडिया में। इंडिया में कहां पर? इंडिया के भुवनेश्वर में। इंडिया के भुवनेश्वर में कहां पर? कलिंगा स्टेडियम में। कलिंगा नाम का जो स्टेडियम है भुवनेश्वर में, इंडिया के भुवनेश्वर कहाँ है? ये उड़ीसा में है, ठीक है क्या? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर तुम्हारा फुटबॉल का मैच हुआ है, और यहाँ पर इस फुटबॉल की भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री वही पर्सन है जिनके बारे में अभी तुम्हारा जेल प्रहरी के पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है क्या? हमारे समाज में तो दहेज दे के लाते हैं लड़की, क्या बात है। देखो देना लेना दोनों ही गलत है ना। एक जो फर्नीचर भी आता है ना, फर्नीचर भी जो आता है लड़की के घर से दहेज का, उसका पेंट छूट जाता है, लेकिन लड़की के घर वालों का कर्ज नहीं उतर पाता है, ऐसी स्थिति है। दहेज वहेज मत लिया करो, ठीक है। लेबनान टीम को हराया है, हाँ लेबनान जो टीम है, ये देखो ये लेबनान टीम, लेबनान कहाँ पर है? एशिया में है। एशिया के मैप को अगर तुम देखोगे, इसराइल वाला एरिया देखना, इसराइल के ऊपर छोटा सा एक देश तुमको दिखेगा लेबनन। लेबनन की कैपिटल बेरूत है, क्या है? बेरूत लेबनन की कैपिटल है, ठीक है। इसको हरा दिया है, इंटरकॉन्टिनेंटल कप में हराया है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं फीफा की, तो फीफा का मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिक में है। फीफा का मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिक में है। ज्यूरिक कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है क्या? चलो, टेलीग्राम चलाती हो, गुड मॉर्निंग ज्योति बेटा, है ना। मेरी गर्लफ्रेंड को बोल रहा हूँ मत देना दहेज, जो बोल रही है ओहो, सुबह सुबह बात कर लेते हो तुम लोग। वन लाइनर देख लो फैक्ट फटाफट, है ना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तानसेन का तो सबको पता है, बैजू बावरा को लेके बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बैजू बावरा किसके कार्यकाल में थे? अभी सूर्या गुड मॉर्निंग, है ना, इसका आंसर बताओ। बापरे 30 लाख रुपए दहेज, इतना तो लड़कियां हो तुम लोग पढ़ लोगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी दहेज मांगने की, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, इतना दहेज देते देते तो मम्मी पापा की हालत खराब, प्लॉट घर सब कुछ बिक जाता है यार, क्यों इतना दहेज चलता है क्या? चलो इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ फटाफट, आंसर नहीं बता रहे हो। अच्छा, आंसर काहे का बताओगे तुम लोग? अच्छा, तानसेन का, बैजू बावरा का। चलो बैजू बावरा का मैं बता दे रही हूँ, अकबर के कोर्ट में थे वो, ठीक है, अकबर के बहुत खास थे। नेक्स्ट देखो,
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पर है? ये बिहार में है। ठीक है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तुलसीदास जी जो थे, रामचरितमानस जिन्होंने लिखा था, जिस आदि पुरुष का इन्होंने बैंड बजा के रख दिया है, एक समय पर रामायण रामचरितमानस लिखी गई थी, कितने अच्छे से लिखी गई थी, है ना, वो अकबर अकबर के समय काल में थे। राजा बीरबल की उपाधि किसे? देखो, राजा बीरबल जो था ना, बीरबल कोई नाम नहीं था, बीरबल जो था वो कोई नाम नहीं था। ठीक है, ये महेश दास इनका नाम था जिनको राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल में एक भाषा बोली जाती थी, कौन सी भाषा बोली जाती थी? अगर तुमसे पूछा जाए तो बोलना फारसी भाषा बोली जाती थी। फारसी भाषा मतलब पर्शियन भाषा, पर्शियन भाषा मतलब ईरान की भाषा। ठीक है, ईरान को ही पहले के समय में पर्शिया बोला जाता था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, दीने इलाही नाम नाम का नया धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। दीने इलाही एक धर्म था बेटा, दीने इलाही जो धर्म था, उस धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों का थोड़ा 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 अच्छा अच्छा चीज मिक्स करके एक धर्म बनाया गया था अकबर के द्वारा, लेकिन बीरबल के अलावा किसी ने उस धर्म को फॉलो ही नहीं किया, इसलिए वो धर्म जो है वो बढ़ नहीं पाया। ठीक है क्या? चलो, ईरान को पर्शिया बोला जाता है ना। चलो देखो, मध्य प्रदेश को शीर्ष राज्य के रूप में राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने प्रदान किया है? मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलने वाला है, इसकी घोषणा जब हुई थी तब हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, लेकिन अब मिल चुका है, अब मिल चुका है। तो यहाँ पर जो मिला है मध्य प्रदेश को, क्यों मिला है? पानी का संरक्षण मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छे से किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्यों को दिया जाता है, ये तुम्हारा राज्यों को भी दिया जाता है, इंसानों को भी, इंडिविजुअली भी दिया जाता है, उसके बाद तुम्हारा ये जो है ये दिया जाएगा तुम्हारा किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संगठन को भी दिया जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बता पड़ा। जगदीप धनखड़, बिल्कुल सही है, जगदीप धनखड़ ने दिया है। जगदीप धनखड़ कौन है? हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। ये वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले कौन से राज्य के राज्यपाल थे? कौन से राज्य के राज्यपाल थे? तो ये थे तुम्हारा वेस्ट बंगाल के राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ओहो धीरज, क्या बात है, बिल्कुल डायरेक्ट नाम लेके बिल्कुल गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है, वाह बहुत बढ़िया। चलो, जगदीप धनखड़ है ना, मध्य प्रदेश के को शीर्ष राज्य के रूप में राष्ट्रीय जल पुरस्कार इन्होंने दिया है। अच्छा, अगर मैं जगदीप धनखड़ की बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, बस ये तुमसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि पूरी दुनिया में मीठा पानी कितना प्रतिशत है, तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? देखो, पूरी दुनिया में 97% जो पानी है वो खारा पानी है, जो तुम्हारे ओशियन में है, तुम्हारे महासागर मतलब महासागर और सागर में है। ठीक है, बाकी का 3%, सिर्फ 3% मीठा पानी है, वो जब ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तब मैं तुम लोगों को पढ़ा दूंगी। 3% सिर्फ मीठा पानी, और उस 3% में भी सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मीठा पानी कौन से देश में है? तो ये तुम्हारा ब्राजील में है। ब्राजील में दुनिया में सबसे ज्यादा मीठा पानी पाया जाता है। और दूसरा सबसे ज्यादा मीठा पानी कहाँ पाया जाता है? ये तुम्हारा रशिया में पाया जाता है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस है ना। अच्छा, मेहनत मेहनत कर लो यार, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो। देखो, पेपर एक खत्म हुआ तो दूसरा भी आएगा, है ना, ऐसा नहीं कि सोते ही रहेगा। तुम जहाँ सो रहे हो सकता है कोई और जो है वो मेहनत कर रहा हो उठ के। कुछ बच्चे आते हैं चले जाते हैं, आते हैं थोड़ा सा देखेंगे फिर सो जाएंगे, फिर देखेंगे थोड़ा फिर सो जाएंगे। ऐसे करोगे तो ये तुमको दिक्कत में डाल देगा बेटा। प्रीति लोधी गुड मॉर्निंग बेटा। तुम लोगों को पता है मेहनत और मोहब्बत, मुझे पता है कुछ बच्चे जो है मोहब्बत के चक्कर में पूरी रात रात जग रहे हैं, फोन में बातें कर रहे हैं, फिर सुबह नींद नहीं खुलती है। मेहनत और मोहब्बत में बेटा बहुत छोटा सा अंतर होता है। मेहनत जो है ना, मोहब्बत जो है ना, वो तुम्हारा दिल तोड़ के रख देती है। ठीक है क्या? मेहनत तुम्हारा दिल तोड़ के रख देती है, और मोहब्बत जो है वो तुम्हारा दिल तोड़ के रख देती है। और मेहनत क्या करती है? मेहनत हमेशा रिकॉर्ड तोड़ देती है। ठीक है, इसीलिए मेहनत करो, मोहब्बत मत करो। देखा ना कितना छोटा सा फर्क होता है, मेरी भी जबान लड़खड़ा गई है ना। इसीलिए जो है मेहनत करो, मोहब्बत मोहब्बत मत करो, समझ गए क्या? विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जून। ठीक है क्या? चलो समझ गए, मेहनत करो, वो सब फालतू के चक्कर में मत पड़ो, है ना। मम्मी पापा बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं बेटा। कुछ बच्चों के मम्मी पापा तो जो है वो कर्जा लेके उनको भेजते हैं पढ़ने, और बच्चे यहाँ आके 2 महीना ढंग से पढ़ते हैं, 2 महीने के बाद जो है इन फालतू के चक्करों में पड़ जाते हैं, है ना। चलो
देखो यार, रिफ्यूजी क्या होता है? रिफ्यूजी अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूंगी कि मान लो अगर किसी देश में युद्ध हो गया या वहां पर कोई संकट आ गया, तो वहां के लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ता है, और जब वो देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं तो वो शरणार्थी कहलाते हैं, शरणार्थी को ही रिफ्यूजी कहते हैं। भारत में अगर तुम मुझसे पूछोगे, आशा बेटा गुड मॉर्निंग, भारत में अगर तुम मुझसे पूछोगे तो 4 लाख से भी ज्यादा शरणार्थी हैं। कितने हैं? 4 लाख से भी ज्यादा शरणार्थी भारत में हैं। सबसे ज्यादा तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तुम लोगों ने एक समय सुना होगा CAA लागू किया जा रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत में लागू किया जा रहा था, जिसमें खूब सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ तो ऐसे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे जिनको पता ही नहीं था ये क्या होता है। एक पत्रकार ने एक लड़के का शर्ट खींचा पीछे से और पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो तुम, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हो? क्या कह रहे हैं बताए? हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारे मालिक ने भेजा है। समझ गए क्या? इस टाइप से उसने जवाब दिया था। आधे लोगों को तो पता ही नहीं था। देखो CAA क्या होता है, मैं तुम लोगों को शॉर्ट में बता देती हूँ। CAA का मतलब बेटा ये होता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत सारी जातियां यहाँ पर आके रह रही है। जैसे कि तुम्हारा हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के, सिख धर्म के, उसके बाद पारसी है ना, उसके बाद क्रिश्चियन, उसके बाद तुम्हारा बौद्ध धर्म के, ये सभी धर्म के भारत में आके रह रहे हैं। इनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, जो लोग 2014 के दिसंबर के महीने तक आ चुके थे, उससे पहले आ चुके थे, इसके बाद जो आए थे उनको नहीं, उससे पहले जो आए थे उनको। लेकिन इसमें सबसे बड़ी पॉइंट, सबसे बड़ा मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पर लिख दिया गया कि मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा, इन देशों से जो मुस्लिम आए हैं इनको नहीं दिया जाएगा सिटीजनशिप। इस वजह से पूरा बवाल खड़ा हुआ था। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कमला सोनी PhD डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला बनी है, ये मध्य प्रदेश की कौन से जिले से थी? ये जो थी ये अभी की नहीं है, ठीक है, ये अभी की नहीं है। इंस्टाग्राम बहुत चलाती है किरण, आप क्या हिंदू? कौन बोल रहा है ऐसा? ऐसी फालतू अफवाह कौन फैला रहा है ये बताओ पहले तो। चलो देखो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बता दो फटाफट, है ना। देखो यार, यहाँ हुआ ये था कि 18 जून 1911 को एक महान महिला का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में, ये जन्म हो गया था। अब इनका जब जन्म हुआ, ये बड़ी हुई, तो इन्होंने PhD डिग्री हासिल की। IISc बेंगलोर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने, मतलब जिन्होंने IISc बेंगलोर में जो है क्या लिया था, एडमिशन लिया था। भारत की पहली ऐसी महिला बनी थी जिन्होंने PhD डिग्री हासिल करी थी। इन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत अच्छे से, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साइड इनका झुकाव था, बहुत ज्यादा था, और बायो में ही, मतलब सॉरी बायो केमिस्ट्री में ही इन्होंने उसकी डिग्री हासिल करी थी, PhD की डिग्री हासिल करी थी। ठीक है, चलो देखो इसका आंसर होगा इंदौर। कहाँ से थी? इंदौर से थी। ये इनकी फोटो है। अभी गूगल ने डूडल बनाया था इनके जन्मदिन पर। डूडल जानते हो ना, गूगल खोलते हैं अपन तो उसमें एक फोटो आ जाती है, उसको डूडल कहते हैं। ठीक है, तो गूगल ने डूडल बनाया था, है ना। चलो, आई हैव ऑल्सो डन इंजीनियरिंग, क्या बात है, वाह। देखो गांधी शांति पुरस्कार की राशि कितनी? अभी गांधी शांति पुरस्कार को लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। भैया मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि किसी को अगर अवार्ड दिया जा रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी कांग्रेस BJP का जंग छिड़ गया है। बोला ये जा रहा है कि कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं कि क्या जरूरत है इनको देने की, है ना, जबकि इन्होंने क्या बोला है पता है? गांधी पुरस्कार किसको दिया गया? गीता प्रेस को दिया गया है। गीता प्रेस ने क्या किया है? गीता प्रेस जो है ये किताब छापती है। एक छोटी सी दुकान से इन्होंने शुरू किया था, वो दुकान जब इन्होंने ली थी ना तो 10 रुपए के किराए से ली थी। 10 रुपए उसका किराया था उस दुकान का, और 10 रुपए में ली थी। 1 लाख नहीं है, 10 लाख भी नहीं है, 1 करोड़ है बेटा, 1 करोड़। 1 करोड़ गांधी शांति पुरस्कार का प्राइज मनी है जो इन्होंने बोला है कि हमको नहीं चाहिए। इन्होंने क्या बोला है? हमें नहीं चाहिए। ठीक है, गांधी प्रेस ने, सॉरी गीता प्रेस ने। गीता प्रेस क्या करती है कि बहुत कम रेट में गीता वगैरह छापती है, है ना। तुम लोगों ने जो है देखा होगा, भागवत गीता देखा होगा, तुम्हारे घर में भी रखा होगा। तुम्हारे घर में अगर रखा है तो कहीं ना कहीं वो यहीं से छप के आया। कहाँ पर है ये गीता प्रेस? गोरखपुर में है। ठीक है, ये जो क्या, ये क्या करते हैं, धर्म ग्रंथ जो है, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ होते हैं उनको छापते हैं, उनकी छपाई करते हैं और जगह जगह उसको बेचते हैं। अब तो बहुत बड़ा प्रेस हो गया है ये। उस समय 10 रुपए के किराए से दुकान खोला गया था। ठीक है, तो इसको लेकर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। यहाँ बोला जा रहा है कि भैया इनको क्यों दे रहे हो, कोई जरूरत नहीं है इनको देने की, ऐसा हो गया। 1 करोड़ राशि है गांधी पीस प्राइस की। इस साल ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। ठीक है, इस साल ये देखो गीता प्रेस इस तरीके से अपन, और ये गांधी पीस प्राइस होता है। ठीक है,
ये ऐसा नहीं है कि किसी प्रेस को ही दिया जाता है, ये जब समय समय पर जो है लोग अच्छा काम करते हैं तो उनको ही दिया जाता है, गांधीवादी विचारधारा को जो आगे बढ़ाते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। प्रेसिडेंट के आर्टिकल देख लेते हैं अपन, राष्ट्रपति के आर्टिकल देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। 53 में दिया गया है भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में। नेक्स्ट है 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं, कई बार ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे तुम्हारे पार्लियामेंट के जो है इलेक्टेड मेंबर, तुम्हारा कोई अगर स्टेट है, स्टेट के सभी स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर्स, और तुम्हारा जो यूनियन टेरिटरी है जहां पर असेंबली है, जहां पर विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, वहां के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, ये लोग शामिल होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ध्यान रखना कि किसी भी राज्य के या किसी भी यूनियन टेरिटरी के नॉमिनेटेड मेंबर यहां पर शामिल नहीं होंगे, ठीक है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है, 56 में राष्ट्रपति के पद की अवधि यानी कि 5 साल जो टर्म होता है ये दी गई है, 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी कि राष्ट्रपति जो है वो एक बार उनका चुनाव होने के बाद दोबारा फिर से वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये 57 में दिया है। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए 58 योग्यताओं के बारे में, 59 में दिया गया राष्ट्रपति के कार्यकाल की क्या क्या शर्तें होंगी, और 60 में दिया गया राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, और 61 सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि राष्ट्रपति को जब पद से हटाया जाता है तो वो प्रक्रिया, ठीक है। क्या आपके हाथ में टीवी का रिमोट है क्या? ये पीछे जो तुमको स्क्रीन दिख रहा है ना, उसी का रिमोट है मेरे हाथ में, है ना। चलो आशा कर लेने दो बात यार, सुबह सुबह क्या ही बोले, ठीक है क्या, कर लेने दो बात, बात करके बच्चे जो है खुशहाल रहते हैं। चलो ठीक है, देखो खाली संसद विधायक वोट कर सकते हैं किसी भी स्टेट्स के, हाँ। चलो देखो आईएमडी ने किस राज्य के लिए रेड अलर्ट, अभी आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान संघ है ना, भारतीय मौसम विज्ञान संघ जो है, इसने अभी क्या किया है कि रेड अलर्ट, देखो यार चार चार तरह का अलर्ट होता है, एक होता है तुम्हारा ग्रीन अलर्ट, गुड मॉर्निंग बेटा, दूसरा होता है तुम्हारा येलो अलर्ट, तीसरा होता है ऑरेंज अलर्ट, और चौथा होता है रेड अलर्ट। ग्रीन अलर्ट मतलब सब ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम ठीक ठाक चल रहा है। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तुम्हारा ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी को और खुद को संभाल के रखो, मुसीबत कभी भी तुम्हारे घर पे दस्तक दे सकती है। और रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब ये बोला जाता है कि घर पे बैठो, घर से बाहर मत निकलो, है ना। चलो इसका आंसर होगा असम। असम में बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा बन चुकी है, इस वजह से यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। चलो कमेंट नहीं करूंगी, पढ़ाई करूं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई देखो चलती रहती है, तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई के उसमें मैं एक जो है तुम लोगों को शायरी सुनाती हूँ, है ना। हवा में ताश का महल नहीं बनता, ठीक है क्या, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे बच्चे, है ना, दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे बच्चे, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, ठीक है क्या। इसीलिए बातचीत करते रहो, हंसी मजाक भी करते रहो, खुद को एक कमरे में बंद करके कोई फायदा नहीं है, है ना, उससे इंसान सिर्फ डिप्रेशन में जाता है, उससे ज्यादा और कुछ हासिल नहीं होता है। गुड मॉर्निंग सभी को। नेक्स्ट देखो, IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, है ना, किसको नियुक्त किया गया है इसके सामने, बताओ इसका आंसर, बताओ फटाफट। यस 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 मैम, यस मैम, इसका आंसर होगा कमल किशोर। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के क्या बने हैं, MD बने हैं। MD का फुल फॉर्म क्या होता है, MD का फुल फॉर्म होता है बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है क्या। चलो ऑप्शन नंबर बी राइट, है ना, मैम जी कहना चाहती है मैं कमेंट भी करूं, चलो ठीक है। देखो हाँ, मोटिवेटेड रहो, मोटिवेटेड रहोगे तो पढ़ पाओगे, चलो ठीक है। ये इनकी फोटो है, फोटो देख लोगे तो तुम लोगों को जो है वो ध्यान रहेगा कि मैं बात किसकी कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश पहली बार अपनी मुद्रा जारी करने का निर्णय ले रहा है, कौन सा देश मुद्रा जारी करने का निर्णय नहीं लिया है, इसने क्या किया है, फ्लोट करने का निर्णय लिया है, फ्लोट करने का मतलब क्या होता है, कोई भी देश अगर अपनी करेंसी फ्लोट कर रहा है इसका मतलब उसको किसी दूसरे संगठन से लोन चाहिए,
तो बांग्लादेश जो है ये आईएमएफ से 4.7 बिलियन डॉलर का 4.7 अरब डॉलर का लोन चाहता है, जो इसको नहीं मिल पा रहा है। और नहीं मिल पा रहा इसलिए बांग्लादेश ने बोला है कि मैं अपना जो करेंसी है, जो टाका है ना, टाका दिखाऊं तुम लोगों को, ये देखो टाका, ये ऐसा दिखता है। इसमें फोटो किसकी लगी हुई है? ये जो फोटो तुमको दिख रही है, हमारे भारत की करेंसी में फोटो किसकी लगी होती है? गांधी जी की लगी होती है। और यहाँ पर बांग्लादेश में किसकी फोटो लगी होती है? शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और शेख हसीना जी के फादर थे। ये देखो शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने बांग्लादेश ने बोला है कि हम जो है अपना जो पैसा है, जो टाका है, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल उस पर छोड़ रहे हैं। एक्सचेंज जब होगा, जैसे कि पैसे के बदले में डॉलर होता है ना, कितना एक रुपए का कितना डॉलर होता होगा, इस टाइप का बांग्लादेश ने बोला है, हम पूरी तरीके से अपनी करेंसी को छोड़ रहे हैं, कंट्रोल उस पर से हटा रहे हैं, एक्सचेंज रेट उस पर हमारा कोई अधिकार अब नहीं होगा, कुछ समय के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, है ना, शेख हसीना। अच्छा, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश कहलाता था, उसके बाद जब वो पूरी तरीके से बांग्लादेश हुआ, तो ये युद्ध कब हुआ था? 1971 में हुआ था। भारत ने इसका बहुत ज्यादा साथ दिया था। चलो, क्लियरली नहीं आ रही है वीडियो में, कौन मैं, मेरे को क्लियरली देख के क्या करोगे? क्वेश्चन देखो, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन बने हैं? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? अगर तुमसे कोई पूछ ले बेटा कि ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे? तुम ये बताना कि ये मोटर रेस होती है, गाड़ियों की रेस होती है। क्या होती है? गाड़ियों की रेस होती है। यहाँ पर अगर मैं तुमको दिखाऊं, तो ये गाड़ी दिख रही है तुम्हें? ये गाड़ी दिख रही है, और ये फोटो दिख रही है। ये जो फोटो है, ये उस पर्सन की है, ये उस पर्सन की है जिन्होंने ये जीता है। ठीक है, जिन्होंने क्या जीता है? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चलो, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, कोई गुड बाय बोल रहा है, क्या हुआ? गुड बाय, देखो, हाँ, आशा सूर्यवंशी, क्या बात है, वेरी गुड। मैक्स वर्स्टेपन इनका आंसर है। कहां से है ये? बेल्जियम से है, बेल्जियम से है। ये मोटर गाड़ी चलाते हैं, मोटर गाड़ी की रेस करते हैं, और इन्होंने क्या जीत लिया? ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। यहाँ तुमको एक और नाम दिख रहा होगा, लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज चलाते हैं, मर्सिडीज की जो रेस होती है, ये मर्सिडीज चलाते हैं। ठीक है, चलो, गाजीपुर से आपका वेलकम, क्या बात है। देखो, बैंकॉक विजन 2030 किस संगठन से संबंधित है? बैंकॉक विजन 2030, ठीक है, क्या बैंकॉक विजन 2030? अब मैं अगर तुम लोगों को बताऊं बैंकॉक है कहां पर, तो बैंकॉक तुम्हारा थाईलैंड में है। कहां पर है बैंकॉक? बैंकॉक तुम्हारा थाईलैंड में है। ठीक है, और बैंकॉक जो थाईलैंड में है, यहाँ पर अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि इस साल का सम्मेलन यहाँ होने वाला है। किसका सम्मेलन होगा? तो बिम्स्टेक का सम्मेलन होगा। बिम्स्टेक एक संगठन है जिसमें 7 देश शामिल है। ठीक है, कौन कौन से देश है? कुछ देशों के मैं तुमको हाँ नाम बता देती हूँ। देखो, भारत है, श्रीलंका है ना, भारत, श्रीलंका, तुम्हारा म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, ठीक है, थाईलैंड है, ये सभी देश इसमें शामिल है। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पर है? ये तुम्हारा ढाका में है। 1997 में जो है ये बिम्स्टेक बन गया था। इसे चला देना यार, गर्मी हो रही है। ठीक है, मैं चला लेती हूँ, क्यों, चलो ठीक है, आज सोता रह गया, रात में ज्यादा देर तक पढ़ाई की, नमस्कार बेटा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कहाँ से हो आप? भारत से। चलो देखो, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। याद होगा, याद होगा, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म याद हो जाएगा अब अगर, हाँ, मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। चलो देखो, यहाँ पर अगर तुम मैप में देखोगे, बिम्स्टेक को अगर तुम देखना चाहोगे, तो यहाँ पर तुमको दिखेगा, ये देखो, भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है, ये सभी देश यहाँ पर है, ये बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय रीडिंग डे, ठीक है, राष्ट्रीय रीडिंग, नेशनल रीडिंग डे। रीडिंग डे मतलब पढ़ाई के लिए जो दिवस है, पढ़ाई के लिए जो दिवस है वो कब मनाया जाता है ना, पढ़ाई के लिए जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, इसका आंसर बताओ। चलो, टेक्निकल कॉर्पोरेशन भूल गया, कोई बात नहीं, है ना, गर्मी लग गई, हाँ यार गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ फटाफट, है ना, इसका आंसर बताओ फटाफट। देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर तुम देखोगे तो तुमको 19 जून जो दिख रहा है, यहाँ पर पी एन पानीकर नाम के एक पर्सन थे, ये केरला के पर्सन थे, इन्होंने लाइब्रेरी मूवमेंट की शुरुआत करी थी। क्या शुरुआत करी थी? लाइब्रेरी मूवमेंट की। तुम देखोगे अगर केरला में, तो केरला में 94% लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे मतलब वहां का जो लिटरेसी रेट है बेटा वो 94% है। ठीक है, 94% लिटरेसी रेट मतलब बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है क्या? ये केरला में है, केरला में पीएन पानीकर थे, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। इन्होंने क्या करा था, लाइब्रेरी मूवमेंट की शुरुआत करी थी। अरे रवि बेटा, टेक्निकल टीम भी तो होती है क्या, अच्छा हमसे पूछे ही जा रहे हो, लो बता दिया। खुश अकुश जान के अब क्या करा तुमने, अब जो है तुम उनका नाम पूछोगे, उनका बायोडाटा पूछोगे, क्या पढ़ लो बेटा पढ़ लो, चलो देखो है ना, खाली आठवीं तक पढ़े 94% लोग, चलो देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज देख लो, जून के महीने के इंपॉर्टेंट डेज देख लो फटाफट। 1 जून को हम मिल्क डे मनाते हैं, 2 जून को हम तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाते हैं, 5 जून को हम क्या मनाते हैं, इन्वायरमेंट डे यानी पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 8 जून को हम ओशियन डे यानी महासागर दिवस मनाते हैं, 12 जून को हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बच्चों का जो वो करवाते हैं ना, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे जो लेबर बन जाते हैं, जो काम करते हैं, जो श्रमिक बन जाते हैं उनके खिलाफ, है ना, उनके खिलाफ मतलब उनके काम के खिलाफ, कि बच्चों को जो है इन चीजों में नहीं ढकेलना है, ठीक है। 14 जून को हम ब्लड डोनर डे मनाते हैं, 15 जून को हम वर्ल्ड विंड डे मनाते हैं, है ना, 18 जून को हम फादर्स डे मनाते हैं, और 20 जून को हम क्या मनाते हैं, रिफ्यूजी डे मनाते हैं, ठीक है। चलो 11 जून को किरण का बर्थडे मनाते हैं, क्या बात है, तुम्हारे फोन में इमोजी नहीं आ रही है, UEA, ठीक है, UEFA लीग 2022-23 का विजेता कौन सा देश बना है, UEFA क्या होता है, UEFA कुछ नहीं होता है, फुटबॉल का एक वो होता है ना, क्या कहता है, जैसे यूरोप है ना, यूरोप, यूरोप नाम का जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप में क्या होगा कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाया जाएगा जिसमें यूरोप के अलग अलग देश भाग लेंगे, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, यूरोप में होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, है ना। ऑप्शन नंबर ए स्पेन, स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड, स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड है, ठीक है। कहां पर हुआ है ये फुटबॉल का कप, तो ये यूरोप में है, इसको ध्यान रखना। अच्छा तुम लोगों ने 5-स्टार होटल, 7-स्टार होटल, 3-स्टार होटल कभी सुना है, सुना ही होगा, बचपन से ही सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसको जो स्टार स्टार बोला जाता है, 5-स्टार, 3-स्टार, 7-स्टार, इसका क्या मतलब होता है, कभी सोचा है कि खाली स्टार लगा देते हो, इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई 5-स्टार होटल अगर है ना, तो वहां पर 5 महाद्वीपों का खाना मिलता है, समझ गए क्या होता है इसका मतलब, कि वहां 5 महाद्वीपों का खाना मिलता है, और अगर 3-स्टार होटल है तो वहां पर 3 महाद्वीपों का खाना मिलता है, मतलब जितने कॉन्टिनेंट का जिस होटल में खाना मिलेगा वो उतना स्टार उसमें लगा दिया जाता है, ठीक है क्या। चलो मेरी मम्मी पापा के फोन से आपकी वीडियो देख रही, बोल रही मैम की वीडियो देख के लाइक करेंगे, क्या बात है। देखो किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू करी है, गृह ज्योति योजना, ये योजना जो है ये बहुत ज्यादा अभी चर्चा में है, ये याद रखना, क्यों चर्चा में है जानते हो, इसके तहत क्या किया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए तक का जो ऋण होगा, 2.5 लाख रुपए तक का जो ऋण होगा उसमें तुम्हारी सब्सिडी दी जाएगी, और ये शहरी लोगों को दी जा रही है, शहर में जो लोग रहते हैं जो थोड़े से गरीब हैं उनको अपना घर अगर बनवाना है तो वो लोन ले सकते हैं, और जो लोन लेंगे उसमें जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है उसमें कुछ परसेंट पैसा जो है वो सरकार उनको देगी, कुछ वो खुद भरेंगे, इसका याद रखना, ठीक है, है ना। और यहाँ पर शक्ति योजना भी शुरू करी गई है, शक्ति योजना के तहत, शक्ति योजना भी अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, शक्ति योजना के तहत क्या किया गया है कि लड़कियों के लिए बस सेवा फ्री कर दी गई है, लड़कियों के लिए क्या करी गई है, बस सेवा जो है वो फ्री कर दी गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर अगर तुम मैप देखोगे, ये मैप थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा तुम लोगों को, इस मैप में सिर्फ नदियां हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ये मैं शॉर्ट में तुम लोगों को बताती हूँ, ऊपर की नदियों की आज हम बात नहीं करेंगे, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनकी बात नहीं करेंगे, इनकी बात हमने बहुत बार की है। अब हम थोड़ा सा साउथ में आएंगे, साउथ में तुमको लूनी नदी दिखेगा, लूनी नदी कहाँ है ये तुम लोग बताओगे। देखो हमारे भारत का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पर एक नदी है, जो सबसे नीचे है जो नदी, पेपर फाड़ आया, क्या बात है मकड़ी मैन, तुमसे यही उम्मीद थी, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ, यहाँ पर एक नदी है जिस नदी का नाम है वैगई नदी, भारत की सबसे निचली नदी है वो, सबसे नीचे भारत में कौन सी नदी है, वैगई नदी, ये तमिलनाडु में है। अगर तुमसे कोई पूछे गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, बोल देना नासिक से निकलती है, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तुमसे कोई बोले कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, बोलना कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, याद रखना। नेक्स्ट है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये कहाँ से निकलती है, ये तुम्हारा कर्नाटका से निकलती है, ठीक है। भीमा नदी भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है,
तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, ये मैप समझ में नहीं आता है, जब ज्योग्राफी पढ़ाओगे ना तो ये पूरी मैपिंग तुम लोग को मैं करवा दूंगी। ये नदी वाला मैप है, कौन सी नदी कहां से निकलती, कावेरी नदी जो है ये तुम्हारा कर्नाटका से निकलती है। ठीक है, एक्स खान क्वेस्ट 2023 अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ जहां भारतीय सेना ने भाग लिया, ये एक युद्ध अभ्यास है बेटा। आज बच्चे उठे, अच्छा लाइक कर दो फटाफट, है ना, लाइक कर दो फटाफट। ठीक है, तुम्हारा 8 बजे तक 100 लाइक, रोज हो जाता है, आज भी हो ही जाएगा क्यों। ठीक है, ये मैप थीमेटिक है, अच्छा लड़कियों को ही सब दे रहे हैं फ्री में, लड़कियां लड़कियां लड़कियां, लड़के भी तो आजकल लड़कियां बन के जो है रील बना रहे हैं, क्यों इसीलिए बना रहे हैं क्या, यही कारण है क्या। चलो देखो इसका आंसर बताओ फटाफट, मंगोलिया, मंगोलिया होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या मंगोलिया में क्या हो रहा है, एक युद्ध अभ्यास हो रहा है, इसमें 20 देश शामिल है, 20 देश शामिल है। तुम मंगोलिया का नाम ज्यादा सुनोगे नहीं, मंगोलिया का नाम बहुत कम आता है। मंगोलिया कहां पर है, रशिया, ये रहा तुम्हारा चाइना, इसके बीच में दबा हुआ है मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल है उलन बटोर। मंगोलिया के ही शासक का नाम क्या था, शासक का नाम था चंगेज खान, क्या नाम था, चंगेज खान। ठीक है, क्या चंगेज खान के बारे में बोला जाता है, दुनिया में 1.6 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जो चंगेज खान के वंशज हैं, समझ गए, चंगेज खान के क्या है, वंशज हैं। इतनी मारकाट करी थी, इतनी मारकाट, उसके 200 बच्चे थे, है ना, 200 बच्चे, जिनमें से जो लड़के थे उनकी, उनका भी परिवार हुआ, और उनका जो परिवार हुआ वो अलग अलग देशों में फैला वो परिवार, और बाद में जो है अभी तक उसका जो DNA है वो लोगों में मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पर, है ना, ये रहा तुम्हारा मंगोलिया, ये चाइना और रशिया के बीच में है, और मंगोलिया में एक मरुस्थल है जिसको गोबी मरुस्थल कहा जाता है। चलो देखो यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष का नाम क्या है, है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। मैंने भी रथ यात्रा में रथ खींचा है मैम, कोरोना से पहले, हमें भी ऐसा, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया, ये बहुत पुण्य माना जाता है पता है, रथ यात्रा देखने भी जाया करो तुम लोग, है ना। चलो इसका आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर ए गलत जवाब है बेटा, इसीलिए तो ये क्वेश्चन डाला था मैंने। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में भी ना अलग अलग बॉडी है पता है, यूनाइटेड नेशन क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी महासभा है, अलग अलग है। तो महासभा के अध्यक्ष का नाम कसावा कोरोसी है, एंटोनियो ग्यूटेरेस पूरे संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष है, पूरे संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष है। ठीक है, कौन है, एंटोनियो ग्यूटेरेस। यहाँ पर कसावा कोरोसी जो है ना, ये कौन है, ये UNGA के हेड है। ठीक है, ये इनकी फोटो है, फोटो देख लो फटाफट, है ना, 200 बच्चे, हाँ चलो चंगेज खान के। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने उपग्रह सत्रिया एक को कक्षा में स्थापित किया है, ये किसका है, किसका है, ये सिक्स बॉडीज के, हाँ सिक्स बॉडीज के एंटोनियो ग्यूटेरेस है, है ना। लड़के मेकअप नहीं करते, लड़कियों के फिल्टर यूज करते हैं, अब वो तो पता नहीं है, तुमने भी किया है क्या कभी कभी, कभी ना कभी है, सही बता रहे हो, देखो। चलो इसका आंसर बताओ, इसरो, इसरो गलत जवाब है बेटा, SpaceX हो जाएगा, SpaceX किसकी कंपनी है, 2002 में SpaceX इलॉन मस्क ने बना दिया था, किसने बना दिया था, इलॉन मस्क ने SpaceX कंपनी बना दी थी 2002 में। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्पेस क्राफ्ट बनाता है, रॉकेट बनाता है, सैटेलाइट बनाता है, ये सारी चीजें बनाता है। ठीक है, यहां पर SpaceX ने इंडोनेशिया का ठीक है, किसका है ये, इंडोनेशिया का जो स्पेस क्राफ्ट है इसको लॉन्च किया, सत्रिया है ना, सॉरी सैटेलाइट जो है ये लॉन्च किया, इंडोनेशिया का है ये। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है उनका क्या नाम है, उनका नाम है जोको विडोडो, क्या नाम है उनका, जोको विडोडो। रिसर्च रॉ का गठन किस वर्ष हुआ था, रॉ का मतलब क्या होता है, रॉ का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तुम लोगों को अगर मैं रॉ के बारे में थोड़ा सा बताऊं, रॉ के बारे में जब भी मैं याद करती हूँ मुझे ब्लैक टाइगर का नाम याद आता है, ब्लैक टाइगर जिनका रियल नाम था रविंद्र कौशिक, ये पाकिस्तान गए हुए थे, इनको भारत ने जासूस के तौर पर भेजा था ऐसा कहा जाता है, भारत की सरकार ने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया नहीं, है ना, पाकिस्तान इनको भेजा गया था, ये पहले ऐसे पर्सन थे, ऐसे जासूस थे जो पाकिस्तान में भेष बदल कर गए, भारतीय भेष बदल कर गए जासूस के तौर पर, वहां मेजर की रैंक तक पहुंचे थे, पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो गए थे, वहां मेजर की रैंक तक पहुंचे थे, पहले ऐसे स्पाई थे, ऐसे जासूस थे, बहुत हिम्मत थी इनमें। लेकिन इनके एक और साथी को वहां पर भेजा गया था, वहीं इन्होंने शादी भी कर ली थी, इनकी पत्नी तक को नहीं पता था कि ये भारतीय है,
ठीक है, वहां पर इन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद इनके बच्चे बच्चे भी वहीं रहे, ये खुद भी मेजर की रैंक तक पहुंचे। भारत को खूब सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने वहां से भेजे, बहुत सारी, बोला जाता है 20,000 सैनिकों को इन्होंने बचाया था भारत के, पाकिस्तान के हमले से, खुफिया हमले से। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक और रॉ एजेंट वहां पर गया हुआ था भारत का, उसको पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया। अब उसको जब पकड़ लिया, उसको जब खूब पीटा, टॉर्चर किया, बहुत भयानक टॉर्चर किया जाता है वहां, है ना, तो उसने मुंह खोल दिया, वो टूट गया, उसने मुंह खोल दिया, उसने मुंह खोला तो इनका भी नाम ले लिया, रविंद्र कौशिक का। और तब ये पकड़े गए, और जब ये पकड़े गए, इनको अलग अलग जेलों में भेज भेज के भयानक टॉर्चर किया गया, भयानक टॉर्चर किया गया। उसके बाद कुछ सालों बाद इनको टीबी की बीमारी हो गई और वहीं के जेल में इनका निधन हो गया। जब इनका निधन हुआ, इनकी फैमिली वालों ने भारत की सरकार से बहुत बोला कि कम से कम उनकी बॉडी तो ले आइए, लेकिन भारत की सरकार ने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो हमारे द्वारा भेजे गए थे, मानने से इनको इनकार कर दिया कि हम उनको जानते भी हैं। तब रविंद्र कौशिक ने एक चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि ऐसी भी क्या मैंने भारत के लिए ऐसा भी क्या मैंने कर दिया, है ना, मतलब बहुत दुखी होकर कह रहे थे कि मेरे साथ ये हुआ कि मेरी मतलब मेरे को बुलाने की भी कोशिश तक नहीं की जा रही है। उनको, वो जब जेल में थे ना, तब उनके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि इनको वापस बुलाओ, पर भारत सरकार ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी। तुमको पता है, जब भी कोई जासूसी करने जाता है ना, मतलब जासूस के तौर पर जब उनको सरकार तैयार करके भेजती है कभी भी कहीं पर भी, तब क्या होता है कि पूरी तरीके से उनको ये समझा दिया जाता है कि बेटा अगर वहां पर कुछ हुआ तो तुम कभी भी सरकार का नाम नहीं ले सकते कि तुम हमारी तरफ से भेजे गए हो, समझे। तो वो उनकी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गए, ठीक है, पता ही नहीं चलता है। तो रॉ में शामिल होना भी एक तरह से खतरा ही है, ठीक है क्या। देखो रवि सिन्हा, इनका नाम क्या है, रवि सिन्हा, ये आईपीएस अधिकारी है, ये अभी क्या क्या बने हैं, ये अभी रॉ के चीफ बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी किस स्थान पर आयोजित हुई। इंटर सोलर यूरोप ये एक तरह की प्रदर्शनी है, तुम लोग एग्जीबिशन देखने जाते हो ना, एग्जीबिशन है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये प्रदर्शनी कहां पर हुई है, यहां पर हमारे भारत की एक मिनी रत्न कंपनी गई है, क्या गई है, मिनी रत्न कंपनी गई है, उन्होंने अपना पैवेलियन लगाया यहाँ पर, उन्होंने भी सारी चीजें दिखाई कि भैया सोलर एनर्जी जो होता है, सौर ऊर्जा जो होती है वो कितनी जरूरी है, पवन ऊर्जा कितनी जरूरी है, कोयला वगैरह से हमको जो है एनर्जी नहीं लेनी चाहिए, ये सारी चीजें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। म्यूनिक कहां पर है, जर्मनी में है, ठीक है, म्यूनिक कहां पर है, जर्मनी में है। एथलेटिक फेडरेशन का मुख्यालय यहीं पर है। आज बहुत कम बच्चे हैं यार, आज सब नींद में है मुझे ऐसा लग रहा है। कल कुछ था क्या, कल कुछ था। हु इज द राइटर ऑफ द बुक ए लाइफ वेल स्पेंट फॉर डेकेड्स इन इंडियन फॉरेन सर्विस, ए लाइफ वेल स्पेंट फॉर डेकेड्स इन इंडियन सर्विस, एक किताब है, किताब का नाम है, ठीक है, चलो फटाफट लाइक कर दो। रिवर की क्लास लेकर, हाँ वो रिवर की भी क्लास करा दूंगी मैं, ठीक है, रिवर वगैरह की, माउंटेन्स की, इनकी भी क्लास हम कर लेंगे। चलो इसका आंसर बता दो फटाफट, है ना, इसका आंसर बता दो, देखो वहां लाइक कर दो, चलो 100 लाइक हो जाए बस, हो गया। देखो ऑप्शन नंबर सी, सतीश चंद्र, सतीश चंद्र जो है वो इस किताब के लेखक है। यहाँ पर अगर तुम फोटो देखोगे तो ये इनकी फोटो है, ये इस किताब के लेखक है। सभी लाइक कर दो फटाफट, ठीक है। देखो राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर क्या है, हमारे भारत में अभी राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने वाला है, कहां पर होगा, ये बेटा तुम्हारा गोवा में होगा, ठीक है, गोवा में होगा। गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम है प्रमोद सावंत, और इन्होंने ही इस राष्ट्रीय खेल का जो शुभारंभ है वो करने की घोषणा करी है, ठीक है। चलो देखो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, मोगा। मोगा क्या चीज है, बाइसन है। बाइसन का मतलब क्या होता है, ये गाय के जैसी ही, जैसा ही एक जानवर होता है, गाय के जैसा। ये ठंडी जगहों में ज्यादा मिलेगा, इसके शरीर पे बाल ज्यादा होता है, ज्यादातर ये अमेरिका में मिलता है। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता तो नहीं, इसको टी शर्ट वी शर्ट पहना दिया गया है, बाकी ऐसा ही है, ठीक है। ये मैस्कट है, शुभंकर है, मोगा, शुभंकर। शुभंकर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का प्रतीक, ठीक है, किसी भी चीज का प्रतीक, उसको शुभंकर कहते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग मधु, आज देखा आज कितने लोग लेट हो गए। चलो देखो चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है। चलो देखो भारत में कितने जल निकाय है जिनकी गणना पहली बार की गई है, भारत में कितने वाटर बॉडीज है, चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे झील हो, कितने हैं, टोटल कितने हैं। अभी जनगणना हुई है, इंसानों की जनगणना तो हमने सुनी है, नदियों की, पानी की, झीलों की जनगणना पहली बार हम सुन रहे हैं, पहली बार नहीं हुई है, चौथी बार हुई है, ठीक है। गुड मॉर्निंग राधे राधे बेटा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बता दो फटाफट, नहीं बता रहा मैं, बताती हूँ, ये होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, 24,24,540 जल निकाय भारत में है। अब तुमको पीछे एक फोटो दिख रही होगी, इसमें तुमको अलकनंदा, भागीरथी और गंगावंती दिख रही होगी।
अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है ना तो उसका कलर ही अलग हो जाता है, समझे, वो देव प्रयाग बनाती है, देखो इस तरीके से है ना, उसका कलर ही चेंज हो जाता है, वो पूरा पता चलता है कि ये मिल रही है अलकनंदा और भागीरथी, है ना। चलो आज कुछ है क्या 8 बजे भी, जल्दी जल्दी आया, जल्दी जल्दी चले गए सब। राकेश मास्टर किस क्षेत्र से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। राकेश मास्टर की अगर मैं फोटो दिखाऊं तो ये इनकी फोटो है, 53 इयर्स की उम्र में इनका निधन हुआ है, ठीक है, 53 इयर्स की उम्र में इनका निधन हुआ है। और यहाँ पर ये तेलुगु कोरियोग्राफर थे, तेलुगु कोरियोग्राफर मतलब तेलुगु पिक्चरों में डांस सिखाते थे, ठीक है, कौन थे, कोरियोग्राफर, तेलुगु पिक्चरों में क्या करते थे, डांस सिखाते थे। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गुड मॉर्निंग बेटा, लेट हो गए आज। पुरुषों के कंपाउंड फाइनल तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है, गोल्ड मेडल इन मेंस कंपाउंड फाइनल आर्चरी वर्ल्ड कप। तीरंदाजी क्या होती है, जो तीर मारते हैं ना, तीर मारते हैं, उसका भी एक कंपटीशन होता है बेटा, ठीक है, उसका भी एक कंपटीशन होता है। गुड मॉर्निंग सभी को, है ना। इसका आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर मैं तुमको फोटो दिखाऊं तो ये देखो, ये इनकी फोटो है, ठीक है। अगर मैं तुमको ये बताऊं कि भारत मध्य प्रदेश में तीरंदाजी के लिए अकेडमी कहां पर है जहां तुम जाके सीख सकते हो, तो वो जबलपुर में है, ठीक है, आर्चरी अकेडमी मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है, ये याद रखना, क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इमरान खान, थैंक्स बेटा। अच्छा लखनऊ मेरे स्टूडेंट है, क्या बात है, कभी लखनऊ घूमने आऊंगी ना तो मिलवाना मुझे, ठीक है क्या। चलो जबलपुर में है ना। अभिनव बिंद्रा बेटा शूटर थे, शूटर, शूटिंग, ये तीरंदाजी है, शूटिंग अकेडमी भोपाल में है, ठीक है। आदित्य L1 मिशन के लिए भारत द्वारा कौन सा टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है, एक टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, ये एक मिशन है आदित्य L1 मिशन, ये जो मिशन है ये सूरज को देखने के लिए बनाया गया, ये जो मिशन है इसको लॉन्च जो किया जा रहा है ना। L का मतलब है लैग्रेंज, L का मतलब क्या है, लैग्रेंज, ठीक है, लैग्रेंज 1, आदित्य लैग्रेंज 1, ये सूरज जो है, सन जो है, उसके इर्द गिर्द ये रहेगा, उसके पास में रहेगा, इसके पास एक टेलीस्कोप भी रहेगा, उस टेलीस्कोप से ये क्या करेगा, सूरज की बाहरी परत को देखेगा, सूरज से जो पराबैंगनी किरणें जो बाहर निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो बाहर निकलते हैं, वो रेज हमारे शरीर तक कैसे पहुंचते हैं, इन सारी चीजों को भी देखेगा, ठीक है। तो इससे बहुत सारी शोध होगी, किस चीज के बारे में, सूरज के बारे में। तो याद रखना आदित्य L1 मिशन जो है ये सूर्य से संबंधित है, इसको भूलना मत। इसमें एक टेलीस्कोप भी लगाया जा रहा है, जिस टेलीस्कोप का नाम क्या है, SUIT, ठीक है, SUIT इस टेलीस्कोप का नाम है। चलो देखो ये इस तरीके से रहेगा, ये हमारा प्यारा सूरज जिसके इर्द गिर्द हमारे आठों के आठों प्लैनेट घूमते हैं। 2006 तक 9 प्लैनेट थे, 9 प्लैनेट में से 9वां प्लैनेट कौन सा था, प्लूटो था, लेकिन प्लूटो मैच नहीं करता था प्लैनेट्स की जो कैटेगरी होती है, जो क्राइटेरिया होती है, उससे प्लूटो मैच नहीं करता था। इस वजह से प्लूटो को जो है प्लैनेट की श्रेणी से 2006 में बाहर कर दिया गया था। और ये जो है ये एक तरह का स्पेस क्राफ्ट है, ये तो ऐसे ही दिखा गया। आदित्य L1 मिशन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होने वाला है, ठीक है क्या। चलो हो गया आज के क्वेश्चन, फटाफट कमेंट देख लेते हैं, कमेंट में कल किसने किसने आंसर दिया था, है ना। अरविंद सूर्यवंशी, उसके बाद सागर जी, अच्छा सागर जी, अंजलि जी, देखो दो दो नाम है ना ये जो है। अच्छा चलो नेक्स्ट, अरविंद सूर्यवंशी ने एक और चीज लिखी थी। अच्छा कल बिग सरप्राइज का अनाउंसमेंट हुआ, तुम लोगों ने सभी ने देखा होगा। यहाँ पर अगर देखोगे अरविंद सूर्यवंशी ने उसी से रिलेटेड एक बात करी है। तो अरविंद सूर्यवंशी जी ने क्या कहा है वो देखते हैं। मैम आज सरप्राइज में सर लोग पार्ट 2 के लिए बार बार बोल रहे थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो इसका जवाब है, इसका जवाब दिया है उन्होंने, इसका जवाब है कि कटप्पा को पता था कि ये बाहुबली आगे चलकर आदि पुरुष बनेगा, और आज देख लो ये बन ही गया। मतलब आदि पुरुष की स्थिति देख रहे हो कैसी, आदि पुरुष के चक्कर में उसके जो राइटर है ना, जिसका नाम मनोज मुंतशीर है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ गया है, पुलिस प्रोटेक्शन, ठीक है। पवन जारिया, थैंक्स बेटा, है ना। देखो निकी पटेल है ना, प्रियांशी मंडलिया, दुर्गा पूर्ति, सोनम पटेल, दुर्गा रायकवार टीकमगढ़, है ना, BHAR 3816, ठीक है। नेक्स्ट है रानी यादव, रानी वर्मा, कुहू, अनुराग नामदेव, है ना, और प्रयाग अकेडमी, उसके बाद तुम्हारा भवान क्या नाम है, भावना विश्वकर्मा, है ना, धीरज गोस्वामी और विनोद आर्मर, ठीक है। इतने लोगों ने जो है कमेंट में आंसर दिए थे क्विज के, वेरी गुड, ठीक है क्या। चलो देखो कल आप नहीं आए थे, आई थी ना, मैं रोज आती हूँ,
एस्टैब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया, भारत में मुगल शासन की स्थापना किसने करी थी और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है दिल्ली सल्तनत मुगल वंश की स्थापना, इसका सीधा सिंपल मतलब यही है कि कौन पहला संस्थापक था, ठीक है क्या। तो तुम लोग अभी क्लास के बाद क्या करोगे, फटाफट सीएमसी इंदौर ऐप को डाउनलोड कर लोगे, इसमें तुम लोग को बहुत सारी चीजें मिल रही है। कल अनाउंसमेंट में भी बहुत कुछ बताया गया है, अनाउंसमेंट में भी बहुत कुछ बताया गया है, तुमको सीएमसी इंदौर में पेड कोर्सेज, ऑफलाइन क्लास नोट्स मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना, सीएमसी इंदौर नाम है प्ले स्टोर से, ठीक है। फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट भी तुम लोग को मिलेगा, तुम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट गूगल में ढूंढते होगे, वहां पर दिक्कत होती होगी, यहां पर तुमको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट है डेली करंट अफेयर क्लास और पीडीएफ, मेरी जो क्लास है ना वो तुम लोगों को अगर कभी रिविजन करना है और तुमको टेलीग्राम पे ढूंढ ढूंढ के मिल नहीं रहा है, वैसे तो टेलीग्राम पे मिल जाता है लेकिन काफी ढूंढना पड़ेगा, अगर मान लो ऐसा होता है, सीएमसी इंदौर ऐप को डाउनलोड कर लो, यहाँ पर अलग से करंट अफेयर का सेक्शन बना हुआ है, उसको ओपन करोगे तो उसमें तुमको सारा कुछ वीडियो भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी तुमको तुम लोगों को लाइन से मिल जाएगी। फ्री मंथली ई मैगजीन करंट अफेयर का तुमको उसमें मिल जाएगा लाइन से, वो भी दिया हुआ है, ठीक है। सीएमसी पब्लिकेशन की जो बुक है वो भी मिल जाएगी, फ्री स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा, डेली अपडेटेड वैकेंसी वगैरह। देखो अगर जिन बच्चों को लग रहा है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए, तो ऐसा नहीं है बेटा, इसमें देखो एसएससी बैंकिंग सब कुछ तुमको मिलेगा, ठीक है, एसएससी बैंकिंग रेलवे हर एक एग्जाम से रिलेटेड तुमको कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर सीएमसी इंदौर यूट्यूब चैनल पे तो तुम लोग पढ़ ही रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है। सीएमसी इंदौर टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, इसको भी ज्वाइन कर लेना, इसमें तुमको क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगी। और सीएमसी इंदौर ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना इंस्टाग्राम बताओ, बताओ अपना इंस्टाग्राम, है ना। तो चलो ठीक है, देखो तो आप लोगों का दिन बहुत 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 शुभ हो, है वो, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैम ये आंसर कहाँ देना, देखो अभी क्लास खत्म हो जाएगी ना, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद कमेंट बॉक्स में तुम लोग आंसर दे सकते हो, जैसे कमेंट करो ना अभी लाइव में कर रहे हो, अभी क्लास खत्म होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, थैंक यू सो मच।